कैसे है सब? ठीक है ना? अच्छा, सब खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से दुआ मांगे। हे प्रभु परमेश्वर, हमारे इस जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे दैनिक जीवन में आपकी आज्ञाओं का पालन करके अच्छे जीवन बिता के आनंद जीवन में मुक्ति की ओर सफर करके आप में पहुंचने की कृपा आपके पवित्र आत्मा को भेजकर हम सबको दे दीजिए, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु। बच्चों, अब देखो हम प्रभु की 5 आज्ञाएं पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रभु की 6वीं आज्ञा, जिसमें बोलते हैं व्यभिचार मत करो। ठीक है, आप बच्चों, मुक्ति की राह पर चलते चलते हम आज प्रभु की उद्बोधन में 6वीं आज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 7, यौवन संबंधी शुद्धता। बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे व्यभिचार मत करो। ईश्वर की 6वीं आज्ञा है व्यभिचार मत करो। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम पढ़ेंगे संत पौलुस का कुरिन्थियों के नाम 1 अध्याय 6। इसलिए वह पवित्र है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा की, प्रभु की मंदिर है, इसलिए वह पवित्र है। हमारे शरीर का महत्व और उसकी पवित्रता संभालना हमारा कर्तव्य है। संत पौलुस कहते हैं, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। फिर से हम पढ़ेंगे ये कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का 1 अध्याय 3 वाक्य 16 और 17 में। हाँ बच्चों, अब हम देखेंगे लैंगिकता का अर्थ और लक्ष्य। ईश्वर ने मनुष्य को नर और नारी बनाया, एक हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 1 वाक्य 28 में। ईश्वर ने जो प्रेम ही है, मनुष्य की सृष्टि के साथ साथ प्रेम करने और प्रेम का पात्र बनने की क्षमता भी उसे प्रदान किया। इस प्रेम की पूर्णता के लिए और संतानों को जन्म देने के लिए लैंगिकता से उसे अनुग्रहित किया। नर या नारी होना ही लैंगिकता का आधार है। एक दूसरे को आकर्षित करने, प्रेम आपस में बांटने और बच्चों को पैदा करने की क्षमता ईश्वर ने मनुष्य को दी है। इसके लिए आवश्यक प्रजनन क्षमता और शारीरिक अंगों के साथ ही ईश्वर ने मनुष्य की रचना की। तो जब ईश्वर ने मनुष्य की रचना की, तब प्रभु ने यह लैंगिकता उन पर रखा है, क्योंकि आपस में प्यार करें, बच्चे को पैदा करें, ऐसे ही हमारे पीढ़ी आगे बढ़े। अब हम देखेंगे यौवन संबंधी शुद्धता के बारे में। यौवन संबंधी शुद्धता का मतलब यह है, ईश्वर द्वारा दी गई यौवन क्षमताओं को उसके इच्छा अनुसार परिपक्वता के साथ उपयोग करना।
ईश्वर से दिए गए हमारे शरीर की क्षमताओं को जैसे प्रभु की इच्छा है उसके अनुसार परिपक्वता से हम उपयोग करना है। विचार, वचन और कर्म में हमें इस शुद्धता का पालन करना है। विवाहित और अविवाहित लोग दोनों यौन संबंधी शुद्धता का पालन करने के लिए बाध्य है। विवाहित लोग अपने दाम्पत्य जीवन में निष्ठावान रहकर इस शुद्धता का पालन करते हैं। समर्पित लोग अपने ब्रह्मचर्य जीवन के द्वारा ईश्वर और मनुष्यों के लिए अविभक्त दिल से अपने आप को समर्पित करके शुद्धता का पालन करते हैं। समर्पित लोग यानी क्या है बच्चों? जैसे अपने फादर्स रहता और सिस्टर्स रहता, वो सब प्रभु के लिए अपना जीवन बिताते हैं। अविवाहित लोगों को नैतिक नियमों का पालन करते हुए जीवन बिताकर शुद्धता का पालन करना है। तो कैसे भी हो, तो अकेला रहता है, अविवाहित हो या विवाहित हो, समर्पित हो, अपने को, अपने हर एक को अपने जीवन में शुद्धता का पालन करना जरूर है। विवाह के बाहर के सभी संबंध इस शुद्धता के विरुद्ध पाप है। छठवीं आज्ञा कौन सा है बच्चों? ये विचार मत करो, इसको मना करता है, क्योंकि मानव वंश के लिए ईश्वर की जो योजना है उसके विरुद्ध है ये सब बुराइयां। तो हमारी जीवन में प्रभु की कथन के अलावा जो भी हम करते हैं वो सब पाप होता है। परिवार एवं व्यक्ति की शुद्धता का परिरक्षण करना ही छठवीं आज्ञा का लक्ष्य। तो छठवीं आज्ञा के लक्ष्य क्या है? परिवार की शुद्धता और व्यक्ति की शुद्धता। शुद्धता का पालन करने की आवश्यकता के बारे में संत पौलुस कहते हैं, हम पढ़ते हैं ये फिर से कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र में अध्याय 6। व्यभिचार से दूर रहे, मनुष्य के दूसरे सभी पाप उनके शरीर से बाहर है, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। पवित्र आत्मा हम हर एक में निवास करता है और पवित्र आत्मा प्रभु का दान है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। कौन सा कीमत है बच्चे? प्रभु ने अपने खून बहाकर हमको उनके लिए खरीदा है। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारे शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करने की। यौवन संबंधी शुद्धता के विरुद्ध पाप कौन सा है हम देखेंगे। जो ज्ञान स्नान स्वीकार कर चुके हैं वे सब पवित्रता की ओर बुलाए गए हैं। ईसाई ने मसीह को धारण किया। जब हम ईसाई बनते हैं तब हम मसीह को धारण करते हैं, जो सभी शुद्धता के आदर्श है। कौन? मसीह प्रभु। यह हम पढ़ेंगे गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 में। अपनी आप अपनी बुलाहट के अनुरूप निर्मल जीवन बिताना ईसाइयों का कर्तव्य है। हस्तमैथुन, समलिंग कामुकता, व्यभिचार, वेश्याकर्म, बलात्कार आदि बुराइयां इस शुद्धता को भंग करती है। तो ये सब छठवीं आज्ञा के विरुद्ध पाप होता है। यवन संबंधी शुद्धता का पालन करने हेतु मददगार बातें क्या क्या है हम देखेंगे अभी। यवन संबंधी शुद्धता बहुत ही श्रद्धा से संभालने की अमूल्य नीति है। ये जो शुद्धता है ये प्रभु से दिया हुआ अमूल्य निधि है, दान है। इसके लिए पाप की परिस्थितियों को हम ध्यान रखकर दूर रखना है।
ये निधि अच्छे तरह संभालने के लिए हमको क्या करना है? पाप से दूर रहना है। अभी हम देखेंगे इसके लिए हमें क्या क्या बातें मदद करते हैं। पहला, उन दोस्तों से दूर रहना जो अश्लील बात और कार्य करते हैं। हमारा दोस्त अच्छे नहीं है तो हम पाप में गिर जाएगा। दूसरा, अश्लील प्रकाशनों और चित्रों से दूर रहना। उन सभी दूरदर्शन कार्यक्रम, सिनेमा, वेबसाइट आदि को नहीं देखना जो यौन संबंधी शुद्धता के विरुद्ध है। जैसे अपने बुरे दोस्तों से अलग होना, वैसे अश्लील प्रकाशन यानी बुरे टाइप का, बुरे तरह का किताबें और चित्रों और दूरदर्शन के कार्यक्रम जो अच्छा नहीं है, सिनेमा, वेबसाइट, ऐसे सब चीजों से जो भी अपने को पाप के कारण होता है, उन सबों से हम अलग होना है। और तीसरा है, बातचीत, परिधान, मनोरंजन आदि में समय देखना। हमारा समय अच्छे कार्यों के लिए हम यूज करना, उपयोग करना, और प्रार्थना, संस्कारों का ग्रहण आदि में निष्ठा रखना। पवित्र ग्रंथ, संतों की जीवनी और अन्य ग्रंथों का वाचन, ऐसे किताबों की पढ़ना। पवित्र मां मरियम की मध्यस्थता एवं संरक्षण का आश्रय लेना। मां मरियम, संत योसेफ, ऐसे सब संतों की मध्यस्थता लेना। परिपक्व व्यक्तियों की सलाह स्वीकार करना। हमसे जो भी बड़े हैं, अच्छे हैं, हमारा मां बाप है, टीचर्स हो, ऐसे परिपक्व व्यक्तियों की उनकी सलाह स्वीकार करना। तो हम ऐसे बातों को माने तो हमारी शुद्धता का पालन करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। हाँ बच्चों, ये अब हम पढ़े हैं छठवी आज्ञा के बारे में। हर एक व्यक्ति ईश्वर की छाया और सादृश्य में बनाया हुआ है। वह यौन संबंधी उपभोग की एक वस्तु नहीं है, दूसरों को यूज कर उपयोग करने के लिए एक वस्तु नहीं है इंसान, परंतु वह एक सम्माननीय व्यक्ति है। अपने शरीर को और दूसरों को ईश्वरीय दृष्टि से आदर के साथ देखने पर हम यौन शुद्धता के साथ जी सकता है। तो यौन शुद्धता अपने जीवन में पालन करना है तो हमारे शरीर को और दूसरों को ईश्वरीय दृष्टि से हम आदर से मानना पड़ेगा। अब बच्चों, ईश्वचन पढ़ने के लिए दिया है संत पौलुस का कुरिंथियों के नाम पहला पत्र अध्याय 6:12-20 तक, और हमारा मार्गदर्शन के लिए दिया पवित्र वचन है पवित्र संत पौलुस का पत्र है कुरिंथियों के लिए पहला पत्र अध्याय 3। क्या आप नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर है और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। हाँ बच्चों, हमारा शरीर, हम हर एक पवित्र आत्मा की, ईश्वर की मंदिर है और ईश्वर की आत्मा हमारे हृदय में निवास करता है, इसलिए हमारे शरीर को हम हमेशा पवित्र रखना चाहिए। अब हम करेंगे क्या? पढ़ने के लिए संत मरिया गोरेटी, जिसने अपने जीवन की शुद्धता संभाला है मृत्यु तक, उनकी जीवन चरित पढ़ेंगे और हमारा निर्णय क्या होगा। यौवन संबंधी शुद्धता का पालन करने के लिए मैं कोशिश करूंगा या करूंगी, कोशिश करना ही नहीं, हम पालन करना ही है। हाँ बच्चों, अभी हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न, संत पौलुस यौन संबंधी शुद्धता के बारे में क्या सिखाते हैं? दूसरा, लैंगिकता का आधार क्या है? तीसरा, यौन संबंधी शुद्धता का अर्थ क्या है? चौथा, यौन संबंधी शुद्धता के विरुद्ध पाप कौन कौन से हैं? पांचवा, यौन संबंधी शुद्धता का पालन करते हुए जीने के लिए कौन कौन सी बातें हमें मदद देती है? हाँ बच्चों, ये सब प्रश्नों का उत्तर
अपनी किताब में लिखकर अच्छे से पढ़ें और हमारे जीवन में सातवीं आज्ञा का पालन करें। ठीक है, तो बच्चों हम देख चुके हैं छठवीं आज्ञा के बारे में। हम हमारे दैनिक जीवन में अच्छे से प्रार्थना करेंगे कि हमारी आत्मीय और शारीरिक शुद्धता हम पालन कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हमारे दैनिक जीवन में हमारी आत्मा और शरीर की शुद्धता पालन करके हमेशा आपके साथ रहने की कृपा हमें दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मिलेंगे बच्चों